बच्चे का ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। बच्चे ने प्रिपरेशन कब से शुरू किया था? पिछले साल कर दिया था शुरू। पिछले साल तो एज ए पेरेंट सर, चूंकि इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस, तो एज ए पेरेंट्स आप क्या प्रीफर कर रहे हैं? मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस कि ऐसा क्यों सर कि ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ऑफलाइन से? एक तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, अपने रूम में बैठा है, उसको अपने हिसाब से कंफर्ट होके बैठा है। जी जी, पूरा फोकस उसका अपने जो स्टडी पे है, जो उसको बताया जा रहा है टीचिंग पे, उस पर रहता है। मतलब एक तरफ से इंडिविजुअल टीचिंग कर रहा है वो। और दूसरा ट्रैवलिंग से बच रहे हैं। आजकल आप देख रहे ट्रैफिक कितना है रोड, हम तो दूर से हैं, खैर अगर पांवटा साहिब से यहाँ आने में 50 किलोमीटर है जी, तो वो आने जाने में वक्त ज़ाया होता है। जी जी, ट्रैफिक बहुत है, ख़तरा बहुत है सड़कों पे, तो बेटर है कि घर में बहुत अच्छा बिल्कुल जो क्लासरूम है ऑनलाइन में वो चल रहा है। बिल्कुल, मतलब प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। मेरी बेटी भी इंटरेस्टेड ऑनलाइन में ही थी, तो लास्ट टाइम हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भाई क्लासेस शुरू हो गई हैं, अगर आना चाहो, हम नहीं आए। जी जी जी, ऑनलाइन ही हमने दिए हैं, बाकी देखते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह भी बच्चे को ऑनलाइन? हाँ, सब ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन जो क्लास में चल रहा था वही सेम उसको ऑनलाइन में मिल रहा था, एज ए क्लास लगी हुई थी। मैंने भी अच्छा, मतलब एक तरफ से बच्चा जो है वो मतलब कह सकते हैं कि घर में ही है, सेफ है, बिल्कुल आने जाने का समय भी बचा रहा है। देखो सड़कों पे ट्रैफिक भी तो कम होएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर किसी इंस्टीट्यूट के 200 बच्चे हैं जी, जी, तो उनका आना और जाने का ट्रैफिक भी तो बिल्कुल रोड पे कम होएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेस्ट है सर। एक्चुअली सर हम लोग इसलिए ये सर्वे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि कितने पेरेंट्स ऑनलाइन की तरफ और कितने पेरेंट्स ऑफलाइन की तरफ इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि सर लास्ट 2 ईयर से जो है हम लोग देख रहे हैं कि नीट का कट ऑफ जो है वो काफ़ी सडनली जो है वो अप हुआ है, तो उसके पीछे हम लोग जो रीजन मानते हैं शायद कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चे कॉम्बो भी ले रहे हैं। हाँ, कॉम्बो भी कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए शायद पर दूर वालों के लिए तो मेरा ख्याल है ऑनलाइन सब बेस्ट है। दूर वालों के लिए ऑनलाइन, जहाँ पे सर जो लोकल हैं देहरादून में जो रहते हैं या जिनके नियर अबाउट आकाश है या कोई और भी इंस्टीट्यूट है, वो तो वहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी। लेकिन जो दूर से आ रहा है उसके लिए तो टाइम खराब ही हो रहा है, या फिर वो यहाँ पे अलग से रूम ले, या जहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थोड़ी कम हो, हाँ उनके लिए भी ऑनलाइन मतलब बेस्ट बहुत बहुत बेस्ट है। गाँव है या कुछ है, टाइम, मैंने कहा ना सबसे बड़ी चीज़ क्या, आपका टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। कौन सा ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप? फर्स्ट ही है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है। बच्चे ने कोचिंग वगैरह लिया सर? कोचिंग कोटा क्लासेज जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर ऑफलाइन रहा या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन रहा, तो एज ए पेरेंट्स सर ऑफलाइन प्रीफर करेंगे या ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन से तो। अच्छा, ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ऑफलाइन और ऑनलाइन सर मतलब दोनों कोर्सेज करा रखे हैं या केवल ऑफलाइन? ऑनलाइन, ओनली ऑफलाइन। अच्छा अच्छा, तो सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था बच्चे का? फर्स्ट। अच्छा, तो तैयारी कब से शुरू किया सर? 9th से 10th से 11th से? नहीं नहीं, अभी किया टेस्ट। अच्छा, अभी एग्जामिनेशन होने के बाद। अच्छा अच्छा, एग्जामिनेशन होने के बाद, मतलब एज ए क्रैश कोर्स बच्चे ने पढ़ा? क्रैश कोर्स का पूरा 1 ईयर सी का रखा। अच्छा, 1 ईयर का रखा। यस। तो सर टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रॉपर बच्चे ने किया? प्रॉपर किया। अच्छा अच्छा, तो सर एनसीईआरटी बेस्ट बच्चे ने स्टडी की? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ट। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। बच्चे का सेकंड अटेम्प्ट? हाँ। अच्छा, तो बच्चे ने सर ऑफलाइन लिया कोचिंग या ऑनलाइन? कोचिंग भी लिया और ऑफलाइन भी लिया। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ, दोनों लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिए। अच्छा अच्छा, तो सर टेस्ट सीरीज वगैरह जो है ऑफलाइन ज्वाइन किया था या ऑनलाइन? ये तो ऑफलाइन किया था। ऑफलाइन किया था। अच्छा अच्छा, तो सर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन? सर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। प्रिपरेशन कब से शुरू किया सर बच्चे ने? बच्चे ने 2 साल। 2 साल? अच्छा, मतलब 12th के बाद ड्रॉप किया गया? हाँ, 12th के बाद ड्रॉप किया था, 1 साल लॉकडाउन का चला गया था। अच्छा अच्छा, तो लास्ट ईयर कैसा स्कोर रहा बच्चे का सर? ये सही रहा था उस टाइम, 460। अच्छा, 460। अच्छा, जनरल कैटेगरी या कौन सी कैटेगरी में सर? ओबीसी में आता है। ओबीसी कैटेगरी में। चलिए सर बेस्ट ऑफ लक, इस बार अच्छा स्कोर हो और बच्चे को कॉलेज मिल जाए। थैंक यू।